Yeah.
तथा जना प्रिय प्रिय करो निर्मात्सर भोजित श्री चैतन्य कृपावर वंदे रूप सनातन रघुवीर।
Oh,
तो तुम गाओ टीच गा नहीं पाए आधार Thank you.
हाँ हरे कृष्णा। आज तुम लोग बोलो, आज दक्ष प्रजापति कथा को समाप्त कर दो, फिर शाम को जीव गोस्वामी और जगदीश पंडित जी, जगदीश पंडित जी शाम को सब शाम को ना कोशिश करना थोड़ी देर पढ़ करके आने के लिए, जीव गोस्वामी की कथा को थोड़ी सी छड़ गोस्वामी, ठीक है जीव गोस्वामी कथा से शाम को आपको सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलना। अभी दक्ष प्रजापति कथा सुना, फिर कल से ध्रुव चरित्र को फिर शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो तुम पहले, बोलो हाँ तुम बोलो, तुम थोड़ी बोलो, सब सब थोड़ी थोड़ी बोलेंगे ना तो हो जाएगी, ठीक है। बंद करो उसको, हाँ बंद करो, उनको तरफ में दिखा दो उनकी कथा सुना, नहीं क्या होगा, सवेरे सवेरे सब सुनते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सुन लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, हाँ बहुत सारे लोग हैं, कितने 5-6 लोग हैं, अब आप बोलोगे तो 10-12 हो जाएंगे। शाम को सब ध्रुव चरित्र सुनेंगे, शाम को जीव गोस्वामी कथा सुनेंगे, और सब शाम को बहुत सारे आना, जीव गोस्वामी जी कथा होगी। जय। हाँ बोलो बोलो सुरेंद्र। अज्ञान के मेरा अंतस्य के अनंजन शलाक है चक्षुरन के लितम के न तस्मै श्री गुरुवे नमः वांछा कल्पद्रुवश्च कृपा सिंधु करे विच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सनी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म पर महाराज तथा श्री आज के शुभ दुर्भाग्य दी है श्री गौर परिकर श्री जी गोस्वामी पाद श्री जगदीश पंडित उनके चरणों के कमल में अन्नकोटि अनंत प्रणाम। हमारी समस्त गुरु परंपरा चयुक्त हो एवं श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु का चरण आश्रय लेते हुए आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम लोग गुरुदेव के मुखारविंद से चतुष्कंद के अंतर्गत जो दक्ष प्रजापति का चरित्र है वो हम श्रवण कर रहे थे। यहाँ पर विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा था, इसके अंदर विदुर जी अभी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से कि शंकर जी कौन है, शंकर जी महाभागवत है, शंकर जी क्या है, चर अचर गुरु है, तो क्यों वो, क्योंकि शंकर जी से भी एक संप्रदाय प्रारंभ हुआ है, विष्णु स्वामी संप्रदाय के प्रवर्तक है शंकर जी और वो जगत गुरु है, वह महाभागवत है, देवदेव महादेव। महाभागवतों का लक्षण क्या बताया गया है कि सर्वोद्देश्य अवश्य भगवत भाव आत्मना कि वो तो सभी जीवों के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, तो दक्ष प्रजापति का उनके प्रति द्वेष क्यों हो गया यह प्रश्न किया विदुर जी ने। और जो सती थी उसने यौवन अवस्था में अपना देह त्याग कर दिया, इसके पीछे क्या रहस्य क्या कारण है उसके विषय में आप बतलाइए। जब विदुर जी ने यह प्रश्न किया तो तब मैत्रेय मुनि उनको दक्ष प्रजापति की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति पद पर नियुक्त किया। अभी प्रजापति पद पर नियुक्त होने के कारण उसको बड़ा अभिमान आ गया, प्रभुता पाई कामदनाई, जिसको थोड़ा बहुत भी यदि पद मिल जाए, इसीलिए गुरुदेव बतला रहे थे यदि गुरु वैष्णव हम पर प्रसन्न होके हमारे किसी कार्य को देखकर प्रसन्न होके हमें किसी पद पर नियुक्त करते हैं या फिर हमारी प्रसन्नता कर हमारी हमें हमारी प्रसन्नता कर देते हैं प्रशंसा कर देते हैं तो उससे अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब लक्षण क्या बतलाया गया है कि उत्तम है आपना के माने त्रिणाधम जैसे फल मंत्र वृक्ष आर जनमंत गुण नम्रता ही तार लक्षण बताया गया है ना कि जिस फल के अंदर अगर जिस वृक्ष के अंदर अगर फल हो तो क्या होता है झुक जाता है, ऐसी प्रकार जिस व्यक्ति में यदि अनेक गुण हो तो उस गुण को भगवत सेवा में लगाना चाहिए और उससे अभिमान नहीं। तो दक्ष के प्रसाद ऐसा ही हुआ, प्रजापति पद को पाकर वह अभिमान आ गया उसके अंदर, और अभिमान आने के कारण क्या हुआ, एक बार कुंभ में प्रयाग में कुंभ मेला हो रहा था तो उस समय पर सारे देवताओं की सभा हुई, सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए।
अभी ये दक्ष प्रजापति प्रतिष्ठा के उद्देश्य से, सम्मान पाने के उद्देश्य से क्या हुआ, जल्दी नहीं गया, ये बड़ा ही लेट होकर आया। तो सभा में इनके मन में क्या था कि जैसे मैं सभा में उपस्थित होऊंगा, क्योंकि मैं प्रजापति हूँ तो सब मुझे उठकर प्रणाम करेंगे, सब मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। तो इस सम्मान की, इस प्रतिष्ठा के लोभ से वह सभा में लेट पहुंचा, और जब विलंब करके वहां पर गया तो उसने देखा कि सभी लोग खड़े हुए हैं। देख के सभी तरफ चारों ओर देख रहा है कि कौन कौन खड़ा हुआ, कौन ना खड़ा नहीं हुआ, किंतु वहां पर दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए थे उनके सम्मान में। दो व्यक्ति वो कौन कौन थे, एक थे पितामह ब्रह्मा और एक थे शिव जी। अभी दक्ष प्रजापति मन ही मन विचार कर रहा है कि ब्रह्मा जी ने उसका, ब्रह्मा जी तो मेरे पितामह है, उन्हीं से मैं उन्हीं का पुत्र हूं, तो उन्होंने खड़े नहीं हुए, ठीक है। लेकिन ये शिव जी, कौन है, ये शिव जी दामाद है, क्योंकि मेरी सबसे छोटी पुत्री सती को मैंने इनके साथ में विवाह किया, तो दामाद तो पुत्र स्वरूप, पुत्र सदृश होता है, तो इनको तो खड़ा होना चाहिए था, इनका खड़ा होना उचित था, लेकिन ये फिर भी खड़े नहीं हुए। तो उसके बाद में दक्ष को ये देखकर तो बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आते ही उसने शंकर जी को बहुत गाली गलौज करने लगा, बहुत शंकर जी को भला बुरा कहने लगा। वहां पर दक्ष कहता है कि ऐसा मत समझो कि मेरा शंकर जी के प्रति कोई द्वेष है, क्योंकि जैसे उदाहरण देकर बतला रहे हैं, जब एक धान का खेत होता है, धान के खेत के अंदर यदि एक श्यामा पौधा होता है, जो उसको यदि ना जड़ से नहीं उखाड़ कर फेंक दिया जाए, तो क्या करता है, वह पूरे धान को, धान का जो खाद है, खाद्य है, वो सब ले लेता है, और धान उससे पूरा ठीक से उग नहीं पाता। तो इसीलिए श्यामा गाछ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना जरूरी है। उसी प्रकार ये शंकर जी का जो आचरण है, ये कैसा, ये शंकर जी का आचरण एक श्यामा गाछ जैसा है, इनको इसलिए मेरा इनके प्रति द्वेष नहीं है, मैं इनको शिक्षा देने के उद्देश्य से ही इनको कुछ भला बुरा कह रहा हूं। तो इस विचार से शंकर, ये दक्ष प्रजापति शंकर जी को बड़े ही भले बुरे वचन कहने लगा, और वहां पर शुद्धा सरस्वती, ने वो सारे गालियों को स्तुति परक व्याख्या कर दी उनकी। तो सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने कहना प्रारंभ किया, अयम तु लोकपालाना यशोग्नो निरपत्रप सद्धिराचित चरित पंथा येन स्तवेन दूषिता। उसने कहना, उसने गाली देना आरंभ कर लिया कि देखो देखो इस निर्लज को देखो, तो ये कर्तव्य विहीन होकर क्या कर रहा है, साधुओं के द्वारा आचरित पद को यह दूषित कर दे रहा है, अर्थात इसी, इसके इस आचरण से क्या होगा, लोकपालों का यश भी नष्ट हो जाएगा, कि लोकपालाना यशोग्नो, लोकपालों का यश नष्ट हो जाएगा, और क्या है, सद्धिर आचरित पंथा येन स्तवेन दूषिता, इसने जो साधु के द्वारा आचरित पथ है उसको दूषित कर दिया है, ऐसा दक्ष प्रजापति ने कहा। किंतु शंकर जी कौन है, वे वैष्णव नाम यथा शंभु, वे उनके पास तो सर्व पवित्र वस्तु क्या है, गंगा जी उनके मस्तक पर विराजमान है, तो वो तो उसका, उनका स्मरण, वे वैष्णव है, और वैष्णव का स्मरण मात्र से, दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने इस पथ को दूषित कर दिया। तो यहाँ पर शुद्धा सरस्वती इसकी व्याख्या में इसका स्तुति पर अर्थ करते हुए बता रहे हैं कि शंकर जी का यश क्या है, उनके सामने लोकपालों का यश नीचे हो जाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि लोकपालों द्वारा इसकी, लोकपालों का यश नष्ट होगा, किंतु ऐसा नहीं है। शुद्धा सरस्वती उसकी व्याख्या करते हुए कहती है कि लोकपालों का यश के सामने शंकर जी का यश बहुत ही दीर्घ है, इसलिए लोकपालों का यश उसके नीचे, उससे नीचे हो जाएगा। और क्या बताया, निरपत्र पद, अर्थात जिनका उद्धार कोई नहीं कर सकता, जिनको कोई आश्रय नहीं देता, उनके एकमात्र आश्रय कौन है, शंकर जी हैं। जैसे हम श्रवण कर रहे थे चंद्र के उदाहरण से, चंद्रमा को कभी क्षय रोग हुआ, तो क्षय रोग हुआ, अभी क्षय रोग क्या था, ये कम्युनिकेबल सकारात्मक, मतलब और किसको स्पर्श करेगा तो उसे भी क्षय रोग हो जाएगा, तो इसीलिए चंद्रमा को कोई भी आश्रय नहीं दे रहा था, तभी शंकर जी ने ही एकमात्र चंद्रमा को आश्रय दिया, शंकर जी ने ही अपने मस्तक पे चंद्रमा को आश्रय दिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं निरपत्र पर, अर्थात जिनका कोई भी आश्रय नहीं है उनको एकमात्र शंकर जी ही आश्रय देते हैं। और दक्ष यहाँ पर कह रहा है कि सद्मार्ग को नष्ट कर दिया, किंतु सुदर्शन सरस्वती क्या कह रही है कि सद्मार्ग को प्रशस्त किया, सद्मार्ग को बढ़ाया है। अभी दूसरे श्लोक में बतला रहे हैं यहाँ पे कि गृहत्वा मृग शावाक्षा पाणी मरकट लोचना
प्रत्युत्थान अभिवादेह वाच्यम उपकृत्य नोच अनुचित। कि यहाँ पर दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सती, मेरी 13 कन्या थी, 13 कन्या में सबसे छोटी पुत्री है सती। सती कैसी है? मेरी पुत्री मृगनयनी है। मृगनयनी अर्थात मृग के समान उसके नयन बड़े चंचल है, बड़ी सुंदर है, देखने में बड़ी सुंदर है। और ये शंकर कैसा है? ये शंकर है बंदर जैसा। इसकी आंखें कैसी है? मरकट लोचना, ये बंदर जैसी है। किंतु मेरी इच्छा नहीं होने पर भी, एकमात्र ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी इस सुंदर लड़की को शंकर से विवाह कर दिया। मेरे यह क्या हुआ? यह अनुचित हो गया। यह बताया ना, वाच्य कृत्य अनुचित, यह अनुचित कृत्य हुआ। यह दक्ष प्रजापति ऐसा बतला रहा है। किंतु शुद्धा सरस्वती उसकी व्याख्या करते हुए कहती है कि यहां पर बंदर के साथ में उदाहरण क्यों दिया? शिवजी के आंखों को बताया ना मरकट लोचन, क्योंकि बंदर बहुत कामी होता है। बंदर के हृदय में सब समय काम उद्दीपना होती रहती है और उसको सब समय अपनी बंदरियों के साथ में संग करता रहता है, इसलिए उनको बतलाया मरकट लोचन। किंतु शुद्धा सरस्वती यहाँ कह रही है कि जो व्यक्ति बंदरों के समान कामी हो, जो इतने निकृष्ट हो, उन पर भी एकमात्र कृपा करने वाले कौन है? ये भगवान शंकर है। इसलिए भगवान को इस प्रकार की गाली देना क्या हुआ? अनुचित हुआ। दक्ष प्रजापति ने ये जो गाली दी है उनको, ये अनुचित हुआ। उसके बाद में बतला रहे हैं कि चिता भस्म कृता कृत स्नान प्रेतस्त्रंग स्त्री भूषण शिवा शिवापदेशो हई शिवो मत्तो मत्त जनप्रिय। शंकर जी क्या करते हैं? अपने उनके श्रेयंग पर सब समय चिता लगाकर रखते हैं, भस्म शमशान की राख को, राख से अपना शरीर विभूषित रखते हैं। और गले में क्या पहनते हैं? मुंड की माला पहनते हैं, हड्डियों की माला गले में धारण करते हैं। और इनका व्यवहार कैसा है? इनका व्यवहार भी भद्र नहीं है। दक्ष प्रजापति इस प्रकार उनको गाली दे रहा है कि मत्त लोग अर्थात भूतों के साथ इनकी साथ में हमेशा रहते हैं, ऐसी इनकी शोभा है। उनको इस प्रकार गाली देते हुए दक्ष प्रजापति ने बतलाया, इसलिए ये मंगलमय रास्ते को भी, जिस भी रास्ते से जाते हैं वही रास्ता ही अमंगल हो जाता है। किंतु शुद्धा सरस्वती इसकी व्याख्या करते हुए कहती है कि पुराण में बतलाया गया है कि जिन वैष्णव को सिद्धि प्राप्ति हो गई है वे अपने अंग पर राख लगा कर रखते हैं। और शंकर जी मां यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि जगत के लोग क्या करते हैं, इस शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं, इस शरीर के लिए ही सब चेष्टा करते हैं, कि तो इस शरीर की अंतिम गति क्या है? एक मुट्ठी राख। इस प्रकार वो बतला रहे हैं यहाँ पर उसकी, इसका परिणाम क्या है? एक मुट्ठी राख ही है। और शंकर जी अपने अंग पर चंदन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अगर शंकर जी चंदन लगाएंगे तो उनके सारे भक्त क्या करेंगे? चंदन किस किस के और सब उनके शरीर पर लगाते रहेंगे और सारा चंदन जो ठाकुर की सेवा के लिए है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए शंकर जी अपने शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं। बड़े सुशोभित पुष्प जो होते हैं, बेली, जूही, चमेली, गुलाब इत्यादि, ये सारे शंकर जी को अर्पित नहीं होते। उनका उनके उनकी क्या भावना है कि ये सारे सुंदर पुष्प एकमात्र मेरे प्रभु की सेवा में ही लगे, इसीलिए शंकर जी ये सारे सुंदर पुष्प, ये सुशोभित पुष्प भी से भी उनको चढ़ते नहीं है। जो जंगल में अपने आप पुष्प हो जाते हैं, जैसे धतूरा आखन के, वो सारे पुष्प शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शंकर जी की कृपा से ही जो निकृष्ट देश है वो मंगलमय हो जाता है। दक्ष ने तो कहा था कि मंगलमय, यदि ये किसी रास्ते पर जाए तो मंगल रास्ता भी अमंगल हो जाता है। किंतु यहाँ शुद्धा सरस्वती कह रही है कि यदि ये निकृष्ट देश में भी प्रवेश करें तो वो भी मंगलमय हो जाता है। और जो तामसिक व्यक्ति है, तमोमात्र स्वरूप बतलाया यहाँ पर, तमोमात्र आत्मकात्मन, कि जो तामसिक व्यक्ति है उन पर भी एकमात्र कृपा वर्ण करने वाले कौन है? शंकर जी है। जैसे उदाहरण लेकर बतला रहे थे बाणासुर का, रावण का इत्यादि अनेक अनेक बेटे, अनेक अनेक उदाहरण बतलाए। उसके पश्चात बता रहे हैं, तस्मा उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृते दत्ता पत मया सद्वी चोदित परमनुष्ठित। कि इस श्लोक में बता रहे हैं कि उन्माद नाथाय, कि मुझे एकमात्र ब्रह्मा के कहने मात्र से ही मैंने अपनी सुंदर पुत्री को इस शंकर से विवाह किया, लेकिन परमनुष्ठिता, कि परमनुष्ठिता किसका नाम है? ब्रह्मा जी का। किंतु इसको देखो जरा, ये मेरे दामाद, ये मेरे पुत्र स्वरूप है, और
फिर भी सभा में जब मैंने प्रवेश किया तो इसने उठकर मुझे सम्मान करना भी उचित नहीं समझा कि मुझे उनकी आज्ञा थी, इसलिए उनकी आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया, किंतु ये कृत्य ये करके क्या हुआ, मुझे बड़ा ही दुख मिला है। तो ऐसा दक्ष ने उनको गाली देते हुए कहा, किंतु शुद्धा सरस्वती यहाँ पर व्याख्या करते हुए कह रही है कि उन्मादनाथा है, अर्थात भूत पिशाच के ऊपर भी कृपा करने वाले उन्मादनाथा है। कौन है? भूत पिशाच के, उनके भी नाथ अर्थात भूत पिशाच के ऊपर भी कृपा करने वाले कौन है? एकमात्र भोले बाबा है, एकमात्र शंकर जी है। नष्ट शौचालय अर्थात जिन लोगों को शुचि नहीं है, जिन लोगों को अशौच व्यक्ति पर भी को भी पवित्र करने वाले शंकर जी हैं। अभी इतने इतनी सारी गाली देने के बाद भी दक्ष प्रजापति को जब चैन नहीं मिला तो उसने क्या किया, अपने कमंडलों से जल लिया और शंकर जी को श्राप दे दिया कि कभी भी तुम्हारा यज्ञ में स्थान नहीं होगा, कभी भी तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तो सरस्वती इसकी व्याख्या करते हुए क्या कहती है कि यज्ञ के यज्ञ में भाग कौन लेता है? साधारण देवी देवताओं को यज्ञ में भाग की आवश्यकता होती है, किंतु शंकर जी कौन है? वे देवदेव महादेव हैं, तो ये देवता लोग तो तुच्छ हैं, उनको यज्ञ के भाग की आवश्यकता है। शंकर जी को यज्ञ के भाग की आवश्यकता नहीं है, शंकर जी सबको पोषण देने वाले, शंकर जी सबको पोषण करने वाले हैं। जब इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया तो वहां पर थे नंदी जी, नंदी को बड़ा क्रोध आया, उनकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई, बोले हमारे प्रभु का तुम अपमान करते हो। ऐसा देखकर नंदी ने क्या किया, नंदी ने भी श्राप दे दिया, मैं तुमको श्राप देता हूँ। वहां पर सभी जो ब्राह्मण थे, वहां पर सभी जो दक्ष के अनुचर थे, दक्ष के पक्ष में थे, उन सभी को श्राप देते हुए नंदी ने क्या कहा कि जो लोग इस शुक्र शौनिक से रचित शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं, जिन्होंने शंकर का अपमान कर रहे हैं, वो सब क्या होंगे? तत्व ज्ञान रहित हो जाएंगे, वह भक्ति मार्ग से च्युत होकर और कर्म मार्ग में आबद्ध हो जाएंगे और इस संसार चक्र में भ्रमण करते रहेंगे, वह छागल की भांति बकरी की भांति उनकी बुद्धि हो जाएगी। या उनको श्राप देते हुए कह रहे हैं कि सर्व भक्षा द्विजय वृत्ते धृत विद्यात पोवृत वृत देहत्रिया राम याचका विचरत विह। यहाँ पर जो नंदी ने श्राप दिया है, हम देखते हैं किस प्रकार कलयुग में ये सारे उनके श्राप प्रतिफलित हो रहे हैं। कलयुग के अंदर जो लोग ब्राह्मण है, जो जो यदि ब्राह्मण भजन कर रहा है तब तो वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि एक तो उसके अंदर ब्राह्मण कुल में जन्म है, उसके बाद में भगवत भजन भी कर रहा है, तो इसलिए वह बहुत बड़ा उत्तम है। किंतु जो ब्राह्मण अभी जिसे आप गुरुदेव बतला रहे थे उदाहरण के माध्यम से, अभी बंगाल में यदि जाकर देखेंगे चक्रवर्ती चट्टोपाध्याय इतने उच्च कुलीन ब्राह्मण भी अभी मांस खाते हैं, गौमांस का भक्षण करते हैं, शरीर में कोई ब्राह्मण चिन्ह नहीं है, जनेब नहीं है, गठी नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, गायत्री मंत्र का जप नहीं, कोई ब्राह्मण के जो लक्षण होते हैं कोई भी लक्षण नहीं है, एकमात्र पुत्र परिवार का पालन करने के उद्देश्य से सर्व क्रिया करते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, पहले के समय में ब्राह्मण का क्या कार्य होता था, केवल जो तीन वर्ग है क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन तीनों को आशीर्वाद देना और ये तीनों ही ब्राह्मण का पालन करते थे। किंतु अभी के समय में क्या हो रहा है, ये सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं। तो वहां पर नंदी ने इस प्रकार का श्राप दे दिया और ऐसे श्राप सुन के वहां पर थे कौन, भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि को बड़ा क्रोधित आया, क्रोधित हुए वो। भृगु ऋषि मन में सोचने लगे कि ये दक्ष, ये शंकर के अनुचर अपने आप को समझते क्या है, हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है और ये हमको श्राप दे रहे हैं। वहां पर इस प्रकार खड़े होकर भृगु ऋषि ने भी उनको श्राप दे दिया, शंकर जी के सारे अनुचरों को उन्होंने भी श्राप दे दिया कि ये सारे क्या होंगे, क्या श्राप दे दिया, और इंद्रिय में दिन रात रुपया पैसा इंद्रिय में इसमें अनुराग रहेंगे और कलयुग में पृथ्वी विचरण करेंगे, लोग क्या करेंगे, जाचकर वैसे पृथ्वी कलयुग में ब्राह्मण जाकर मतलब भिक्षारी बन करके घूमते रहेंगे। इनके क्या विचार जितने भी भक्त हैं तो सब पाषाण भी हो जाएंगे।
ये ब्राह्मण लोग भृगु जी किस को अभिशाप दे गए इतने सारे शंकर दोनों दोनों को अभिशाप दे यहाँ पे बोलते हैं कि शिव भी ना सब जितने भी शिव के छोड़ के मतलब जितने भी शिव के जितने भी गण परिकर है वो सब क्या हो जाएंगे कि विशेष रूप में पाखंडी हो जाएंगे। फिर इससे आगे इससे आगे बता रहे हैं कि वहां से सब लोग फिर चले गए। फिर दक्ष प्रजापति ने दूसरे यज्ञ एक यज्ञ शास्त्र परिपंथिना जो सत शास्त्र है उसका सबके सब प्रतिकूल आचरण करेंगे ये सबके सब पाखंडी बन जाएंगे। जो व्रत और धर्म करेंगे और इस श्लोक में नष्ट शौच मुड़ा दिया जटा का स्मरण हरिना विशंत शिव दीक्षाया जत्र दैव पुरा सब यदि क्या हो जाएगी बोले शौच से विघ्न हो जाएंगे मूढ़ बुद्धि वाले बनेंगे जटा भस्म अस्थियों को धारण करेंगे। जो व्यक्ति शिव दीक्षाया प्रविष्ट या जो शिव दीक्षा में प्रविष्ट होंगे उन लोग क्या करेंगे यदि ये जो सुरा सुरा मतलब होते शरा है कि देवता मैं दिन भर मदिरा पान बैठे भंगड़ी हो करके फिर यहाँ पे दक्ष प्रजापति वहां से सब लोग चले गए। वो सभा समाप्त हो गई उसमें सब क्यों कि सब दोनों दोनों का अभिशाप दिए इसमें क्या किया है यदि शंकर जी के भक्त ब्राह्मण को ब्राह्मण शंकर जी को दोनों दोनों को भक्तों का अभिशाप दिया अभिषेक का तात्पर्य किया है क्यों उनका अभिशाप दिया क्योंकि जो भृगु को साधारण है वो बहुत बड़े ब्राह्मण और नंदी साधारण है शंकर जी का बाहर सर्वश्रेष्ठ दोनों को दक्ष प्रजापति ने फिर से एक यज्ञ किया जिसका नाम है बृहस्पति यज्ञ तो यज्ञ का नियम है कि पहले जो बाष्प यज्ञ है उसको पहले करना चाहिए कि उसके बाद ये यज्ञ को करना चाहिए और फिर बृहस्पति नाम तो पहले जो बाष्प यज्ञ है उसको पहले करना चाहिए फिर उसके बाद ये यज्ञ को बृहस्पति यज्ञ को करना चाहिए। फिर इन्होंने एक बृहस्पति यज्ञ को मतलब प्रतिष्ठा पाने की इच्छा से ही इन्होंने किया और यहाँ पे सारे बता रहे हैं कि सारे के सारे देवा देवी को यहाँ पे निमंत्रण किया और शिव जी को निमंत्रण किया नहीं क्योंकि शिव जी को पहले वो निंदा किए थे तो इसलिए शिव जी को निमंत्रण किया नहीं। जब देखते हैं कि सारे के सारे देवता बड़े सुंदर सुंदर विमान में बड़े अलंकार विभूषित होके जब जाते हैं आकाश मार्ग से तो वहाँ पे जब कैलाश होते हुए जाते हैं तो जो शिव जी के साथ जो सती रहते हैं प्रश्न करते हैं प्रभु हमारे पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है जहाँ पे सारे के सारे देवा देवी को निमंत्रण किए उसमें कह रहे हैं वो आप मेरे पिता नहीं आपके ससुर आपके ससुर इसका मतलब है आपको कोई संबंध है मेरे भी जितना संबंध है उससे ज्यादा संबंध आपके साथ वो आपका ससुर है इसका मतलब चलो जाएंगे हैं आपका ससुर मेरे पिता नहीं तो आपको काफी ज्यादा संबंध है इसलिए मतलब उनको उत्साहित कर रहे हैं तो उनको उत्साहित करके वो बोलते हैं कि आपके ससुर एक
बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं, बृहस्पति यज्ञ, तो उसमें सारे देवता देवादेव को निमंत्रण करते हैं। क्या हम लोग को निमंत्रण नहीं किया गया? संदीप जी वहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग को वहाँ पे निमंत्रण नहीं किया गया, इसलिए हम बिना निमंत्रण से वहाँ नहीं जाएंगे। तब यहाँ पे सत्यदेव बोलते हैं कि चार स्थान ऐसा है जहाँ पे बिना निमंत्रण करते हुए भी जा सकते हैं। एक बोलते हैं कि कोई घनिष्ठ बंधु को वहाँ पे बिना निमंत्रण से जा सकते हैं। फिर दूसरा बोलते हैं अपने ससुर के घर यहाँ पे जाने के लिए कोई निमंत्रण का आवश्यक नहीं है। फिर पिताजी के गृह में और पति के गृह में, फिर गुरुदेव ने बताया कि ठाकुर जी के मंदिर में और गुरुदेव के जो भवन में वहाँ पे भी बिना निमंत्रण से जाना चाहिए, वहाँ पे निमंत्रण का कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जब सती माता ने शिव जी को बोला तो शिव जी के अंदर तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब नहीं है, प्रतिष्ठा का आशा नहीं है, फिर भी वो मतलब इस प्रकार का कैसे देख रहे हैं, वो तो खुले हुए पवा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो शिव जी है वो तमोगुण मिश्रित है, उनके अंदर में थोड़ा थोड़ा तमोगुण का, तमोगुण से ही वो शिव जी जो सत्तर रजे तमोगुण से जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी है वो शिव जी तमोगुण से ही मिश्रित है, इसीलिए यहाँ पे ये वो भाव दिखा रहे। फिर आगे बोल रहे हैं बुद्ध बता रहे थे कभी कभी ब्रजवासी में भी ये भाव दिखा जाता है, यहाँ पे वो वाला भाव नहीं है जो ब्रजवासी में जो भाव देखते हैं वो क्या है ना, वो ये जो ब्रजवासी में भाव है वो प्रेम के पूरा वशीभूत होते हैं, इसीलिए जो प्रेम में वशीभूत होते हैं उनमें भी ये थोड़ा थोड़ा भाव दिखते हैं। फिर यहाँ पे सती उनको समझाने के लिए बोलते हैं कि प्रभु आपके आपका तो ससुर है, आप चाहे तो वो सभा में आप खड़े क्यों नहीं होंगे, आपको तो खड़े हो जाना चाहिए, आपसे तो वो श्रेष्ठ है। फिर शिव जी बोलते हैं कि साधु और अज्ञानी का जो भाव है उनके जो व्यवहार एक जैसा नहीं है, साधु का जो व्यवहार है साधु हर समय क्या करता है ना ठाकुर जी को सब सब जगह पे भगवत दृष्टि होता है उसका, सब जगह पे महा भागवत होने के कारण सर्वपुरुष से जब बच्चे भगवत भाव आते हैं हर जगह पे हर चीज पे भगवान का उसका स्फूर्ति होता है, लेकिन अज्ञानी ये सब अज्ञानी का ये सब भाव नहीं होता, इसलिए अज्ञानी में और साधु में जमीन और आसमान का मतलब भेद है। फिर किस एक होते हैं अंतर्मुखी और एक होते हैं बड़े, जो साधु लोग ये अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी वाले क्या है इनका व्यवहार अलग और जो बहिर्मुखी व्यक्ति इनका व्यवहार अलग है, इसलिए कह दिया गया क्यों खड़े नहीं हो उसका आगे ना और थोड़ी सी भूलना देखते, जैसे पार्वती जब देख रहे सती जब देख रही थी उनका बहन लोग जा रहे थे, उनका दामाद लोग जा रहे थे, सती सोच रही है अगर कब एकत्र सब होते हैं, अगर पिताजी को जब घर से शादी होकर चले जाते वो तो चले जाते, लेकिन एकत्रित कब होते हैं जब पिताजी घर में कोई उत्सव हो अपना बहनियों को निमंत्रण दे तब सारे दामाद और बहने आते हैं, अरे पर क्या करते हैं पिताजी सबको बस अलंकार देते हैं, हर परिवार से अच्छा होता है, फिर वहाँ पर अपना दुख सुख की बात होती है तभी उनका मिलता है, इसलिए उसकी मन में बड़ी उतावला हो रहा था, बड़ा उतावला हो रहा था, कब चलेंगे कब चलेंगे हैं कब चलेंगे, बहन को साथ में साक्षात्कार होगा, दामाद के साथ में बात होगा, वहाँ हंसी दुलगी, वहाँ पर तो पूरा संसार के लोग यही आनंद है प्यार क्यों दोनों का हिसाब किए कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है, हैं इसके जो प्रभुपाद ने जो ये बताए थे और बहुत सारी बात बताए, सत्य ने किसी के प्राण त्याग दी इसका रहस्य क्या था और कितना बेहतर, तुम थोड़ा याद तुम्हें पंडित जी थोड़ा सा वहाँ तक बोल दो जब तक निंदा कर रही है ना, वहाँ तक बोल दो लो माइक ले लो, नहीं माइक माइक ना दो मुझे मेरा माइक के तो माइक गलाई माइक बोलो श्री गुरुदेव जी की जय, वंशा कल्पतरु से कृपा सिंधु भय चवितना पावन पे वैष्णव। अभी अभी हमारे गौर सुंदर प्रभु जी ने श्यामानंद प्रभु ने बहुत सुंदर दक्ष प्रजापति की कथा सुनाई है, उसमें उन्होंने कुछ उत्थिष्ट मेरे लिए छोड़ दिया तो मैं उसको
उसको, उसको मैं बोलने का प्रयास करूँगा। और वो बहुत सुंदर बात थी, यहाँ पर कहते हैं कि शंकर जी जिस समय वो ब्रह्म उन्होंने दक्ष प्रजापति ने सभा में गए और वहाँ पर जब शंकर जी खड़े नहीं हुए तो उसके कुछ गुरुदेव ने कारण बताए थे, ये कारण हमारे प्रभु जी मेरे लिए बोलने के लिए छोड़ दिए, मैं उन्हें बोलने का प्रयास करूँगा, अगर कुछ गलती हो तो गुरुदेव उसमें सुधार करे और मुझे क्षमा करे। तो यहाँ पर शंकर वो टीकाकार कहते हैं कि शंकर जी तो महाभागवत हैं, दक्ष के हृदय में भगवान का दर्शन किया उन्होंने, इसलिए वे वहाँ पर जो दक्ष के हृदय में अनुष्ट रूप में परमात्मा विद्यमान थे उन्होंने उनको प्रणाम कहा, इस कारण वे खड़े नहीं हुए। किंतु दक्ष कौन है? वो दक्ष है सृष्टि करने में, दक्ष भगवत्ता में दक्ष नहीं है, तो इसलिए वो इसकी इनकी इन बात को समझ नहीं पाया। उसने अपने हजारों जोड़ों पुत्रों को जन्म दिया परंतु नारद जी ने सबको संत बना दिया। तब दक्ष नारद जी को श्राप देते हैं कि तुम एक जगह एक मूर से ज़्यादा नहीं टिकोगे। वो नारद जी के इस भाव को नहीं समझ पाया कि उन्होंने उनका वो कल्याण किया है। ये सब बात गुरुदेव ने बताई थी कि उसको कि ब्रह्मा जी के सामने शंकर जी खड़े क्यों नहीं हुए, इसलिए बताई थी। तो दक्ष दक्ष को बताइए सृष्टि करने में दक्ष है, तो पहले उन्होंने सृष्टि करी 10,000 पुत्र की सृष्टि करी, अभी पढ़ने के लिए नारद जी के पास ने भेज दिया। नारद जी तो क्या है, उनको भगवत मंत्र दे के नारद जी जैसे खुद है वैसे उसको बना दिया, 10,000 के 10,000 शिष्यों को साधु बना दिया। अभी फिर वापस उन्होंने 10,000 पुत्रों की सृष्टि करी, फिर नारद जी के पास पढ़ने के लिए भेजा, फिर नारद जी ने उनको भी साधु बना दिया। साधु बना दे तो दक्ष यहाँ पर सोच रहे हैं, दो बार मैंने 10,000 पुत्रों की सृष्टि करी और ये सृष्टि आगे बढ़ने ही नहीं देते, सबको साधु बना देते हैं, सबको ब्रह्मचारी बना देते हैं। तो इस वजह से दक्ष ने क्रोधित होकर क्या किया, नारद जी को अभिशाप दे दिया कि तुम एक जगह पर रहोगे तभी तो किसी को बिगाड़ोगे, इसलिए तुम मैं तुम्हें श्राप देता हूँ किसी जगह पर एक मुहूर्त से ज्यादा टिकी नहीं पाओगे। तो ऐसा उनको श्राप दे दिया। किंतु नारद जी कौन है, उन्हें तो सद्भावना से मतलब एक जीव का उद्धार करने के उद्देश्य से उन्होंने उनको बतलाया था, अभी इन्होंने उनको श्राप दिया तो ये क्या हुआ, उनके चरणों में अपराध हो गया। अपराध होने के कारण ही उनकी शंकर जी के प्रति ऐसी बुद्धि नहीं रही, उनकी शंकर जी के प्रति उनकी बुद्धि। फिर यहाँ पर गुरुदेव आगे कहते हैं कि नारद जी उस बात से बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा अब तो मैं एक जगह रहकर उनको दे था, अब मैं तो पूरे ब्रह्मांड में विश्व में घूम घूम कर सबको भगवान का भक्त बनाऊंगा। यहाँ पे ये बात गुरुदेव ने बताई, यहाँ पर गुरुदेव अभिशाप दिया गुरुदेव आगे एक और कारण बताते हैं कि जब उन्होंने भगवान उनके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम कर लिया तो कहते हैं कि जिन्होंने भगवान को प्रणाम कर लिया उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रणाम कर दिया, इससे अलग दस को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये दूसरा कारण बताया। इसमें गुरुदेव आगे बताते हैं उन्होंने शंकर जी भगवान शंकर जी तो योगी महायोगी वैष्णव ने यथा शंभु वे तो हर समय भगवान के चिंतन में ही बैठे रहते हैं, तो वे उस समय अपनी जब समाधि में बैठ जाते हैं उनको नहीं पता कि 1 साल 10 साल 1000 साल कितने साल बीते, वे उस समय समाधिष्ट थे और उन्होंने उस समय ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जब वे समाधि में बैठे थे उनका ये अपराध नहीं हुआ कि वे तो सिर्फ भगवान के चरणों में थे। जिस समय हम भगवान के चरणों में स्थित रहते हैं तो उस समय इस दुनिया के बारे में हमारा प्रति कोई भी अपराध नहीं होता, और इस भाव को वो दक्ष प्रजापति नहीं समझ पाया क्योंकि वह तो इन चीज से बहुत दूर था, वह तो सिर्फ सृष्टि करने में दक्ष था कि सृष्टि करते रहो जो भगवत चिंतन है उसको वो नहीं जानता था। इसमें गुरुदेव आगे भी
बताते हैं कि ये शंकर जी दस से कहता है, जब ये प्रभु जी ने एक चीज और बता वो बताई कि शंकर जी दस को कहते हैं यह निर्लज भैरव को देखो कैसे ढोंगी बना बैठा है जिस समय समाधि में थे। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया, परंतु जब उन्होंने ये बात सब नहीं समझ पाए तो जब उन्होंने गाली देना स्टार्ट करी तो जब सरस्वती जी उनकी जितने भी भरा बोला उन्होंने शंकर जी को कहा, उन्होंने सब उनको स्तुति प्रकट कर दिया क्योंकि शंकर जी तो स्वयं योगियों की महायोगी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, उनकी निंदा कैसे हो सकती है। तो सरस्वती जी उनके चरणों में यो सेवा प्रदान करती हैं। एक छोटी सी तो ये कथा थी और दूसरी छोटी सी बात ये थी कि यहाँ पे जब दक्ष कहता है कि यो ये मैं तो इसको अपनी बेटी नहीं देने जा रहा था और वो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा कहकर अपमानित करता है, मतलब कि वो अपने पिता को भी वो इतना आवेश में हो जाता है कि दो अपराध तो नारद जी के चरणों में कर चुका है, दूसरा अपराध शंकर जी के चरणों में, तीसरा अपराध उन्होंने फिर ब्रह्मा जी के चरणों में कर दिया कि वो उनको ब्रह्मा कहकर गया कि अपने पिता को भी अपमानित वर से बोल रहा है कि इस ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बेटी को दिया। यहाँ पर ब्रह्मा जी के चरणों में भी वह अपराध उसका नाम बोलता है उसको उन्होंने नाम से नहीं बोलते जी पिताजी से बोलनी चाहिए। हाँ उन्होंने उनके चरणों में अपराध किया। जब ये सब वहाँ पर प्रकांड हो गया, यहाँ पर प्रभु जी ने फिर थोड़ा सा यह कि जब सब हो गया तो वहाँ से शंकर जी चुपचाप खड़े होकर चल दिए। यहाँ पर शंकर जी चुपचाप खड़े होकर क्यों चल दिए, क्योंकि वे तो सब जानते थे, सब जानने वाले क्या हो गया कि हम तो आए थे किस उत्सव के लिए, पर यहाँ पर तो सब शराब शराब दे रहे हैं। फिर यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि जो भृगु ऋषि ने और क्या नाम दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दिया, फिर उन्होंने क्या नाम नंदी ने दक्ष को श्राप दिया और वहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण जितने भी लोग दक्ष की जो हाँ में हाँ मिला रहे थे उन्हें देखे थे उनको श्राप दिया, फिर ब्राह्मण भृगु ऋषि ने नंदी को श्राप दिया। ये सब श्राप क्यों हुआ और ये जब क्योंकि भृगु ऋषि तो बहुत श्रेष्ठ हैं, वे तो सब जानते हैं, और इधर नंदी भी जो स्वयं देवाधिदेव महादेव के कारण ये भी सब कुछ जानते हैं और दक्ष भी सब कुछ जानता है, पर ये सब चीज़ हुई किस लिए, इसमें गुरुदेव कुछ कारण बताते हैं कि यहाँ पर श्राप बताते हैं कि जो सबसे पहले नंदी ने जो उधर श्राप दिया वो उन्होंने उन लोगों को श्राप दिया जो शंकर जी ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान से अलग पृथक स्वयं ईश्वर मानते हैं, ये उन लोगों के नहीं है जो स्वयं परमात्मा को भगवान रूप में पूजते हैं, ये अन्य देवता जो अलग है उनको मानते हैं उनके लिए ये श्राप कार्य करेगा, परंतु जो भगवान के एक निष्पक्त है उनके लिए श्राप कार्य नहीं करेगा। फिर इसी बात पर प्रतिश्राप के रूप में जो भृगु ऋषि ने इनको शिव जी के जो गण हैं उनको श्राप दिया, उन्होंने उनको बताया जो अभक्त हैं जो शिव जी को पृथक रूप में मानते हैं उनके लिए श्राप दिया, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं या जो अपने से शैव पंथा में आए हैं जो उनको ये श्राप लगेगा, परंतु जो भक्त ब्राह्मण हैं उनके ऊपर ये श्राप कार्य नहीं करेगा। इन पर यहाँ पर ये मतलब कि सभी के ऊपर ही कार्य नहीं करेगा। गुरुदेव बताते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कर्मकांडी ब्राह्मण और सह पंथा का अनुयायी होकर कुछ भी अपना साधन भजन करेगा उस पर ये श्राप कार्य करेगा, परंतु जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भगवान की एक निष्ठ अनन्य भक्ति करेगा। बोलोगे ना क्या तरुण तरुण तुम कुछ बोलोगे क्यों सुना नहीं सुना करो बच्चे कितने बागवत करते तो बूढ़ा हो गया भाई भी सुननी चाहिए अब समझनी चाहिए अब कोशिश करनी चाहिए बोलने के लिए। उस दिन बहुत बढ़िया कथा सुनाया था तुमने कोई कथा सुनाया था ना कौन सा कथा सुनाया प्रभुपाद जी हाँ प्रभुपाद जी इसलिए ऐसे काफी लेकर बैठा करो और लिखा करो ठीक है ना हाँ रोज बीच बीच कथा कभी करते क्या करना। फिर उन्होंने ऐसे ब्राह्मणों पर यह श्राप कार्य नहीं करेगा जो एक ऋष भगवान की भक्ति करते हैं। जब इतना सब वहाँ पर हो गया तो शंकर जी वहाँ से बहुत दुखी होकर चले गए और कुछ दिन तक सब कुछ ऐसा ही रहा। उसके बाद दोबारा ब्रह्मा जी ने दक्ष को फिर दोबारा प्रजापति पद पर नियुक्त किया और कहा कि ये पद तुम्हारे जो दोष तुम्हारे हुए उन्हीं पापों के बदले में तुम्हारे ये पद दिया गया है। कि यहाँ पर गुरुदेव बता दिया उसमें और भी ज्यादा उसकी अभिमान उसका अभिमान आएगा तो उसका खैर उसने पाप कर गया। इसलिए विश्वनाथ कह रहे हैं
इसका अपराध का ये इसको दोबारे ये दोबारे पद प्रजापति का पद मिला है। फिर इसी पे इसी भी अपराध इसी अपराध के कारण जब उसकी ये प्रवृत्ति हो गई तो उसने दोबारे फिर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। तो अभी प्रभु जी ने वो सारी बात बताई बताया। सती ने शंकर जी की बात को अपमाना करते हुए उन्होंने क्यों चली गई। सती जगत माता है पर उन्होंने बिना पति के आदर्श में थोड़ी जानी चाहिए। पति के आदर्श में तो अपना पियर जानी चाहिए लेकिन उन्होंने आदर्श नहीं दिया अपने। हाँ यहाँ पर इस बारे में गुरुदेव बताते हैं कि शंकर जी के मना करने पर वह जाने को क्यों तैयार है। अगर तुम जाओ तो कि तुम्हारा वहाँ अमंगल ही होगा। जहाँ स्वजन अमंगल करते हैं वह मृत्यु के समान है। यहाँ पर आपने यह बात बताई कि यहाँ पर सती शंकर जी के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने पिता के पास चली गई। क्यों चली आगे का बीच का तो बहुत सारा लिखते हैं वो सीक्वेंस नहीं बैठ पाता। यह तो बहुत सारा बाकी राज ही 4-5 दिन से बोलते रहा था। 5-5 पे पढ़ गया जब आज तक अच्छी तरह से पढ़ कर कुछ थोड़ी कुछ कुछ पता होना चाहिए ना। बोलो बिना माइक के ही बोल दे। हाँ हाँ बिना माइक के सब आ कल बताया गुरुदेव ने कि जो नेत्र होते हैं वहां से जब निंदा कर दी जब वैष्णव की निंदा हो गई तो उसके बाद जो सारा का सारा कारण हुआ जो सारे कृत्य किए जब बहुत भयानक स्थिति हो गई दक्ष के वहां पे यज्ञ स्थल पे सबको मार दिया ये सब कर दिया तो उसके बाद बताया है कि जो वैष्णवों की निंदा करता है उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जहां वैष्णवों की निंदा होती है उस जगह का पलायन कर देना चाहिए। दूसरी बात नेत्र के दोष से बहुत सारा व्यवहार खराब हो जाता है। खराब भी हो जाता है दूसरा अपराध में वो परिणित हो जाता है। और नेत्र से ही आकर्षण का तत्व क्या है नेत्र ही है साधन भी नेत्र है। इस कारण से विल मंगल जी जो ठाकुर लीलाशुभ विल मंगल हुए हैं उन्होंने अपने नेत्रों को जो है फोड़ लिया था। ऐसे ही तुलसीदास जी जो रत्नावली जी हैं उन पे इतना आसक्त हो गए थे कि वो सांप को पकड़ लिया था उन्होंने रस्सी समझ करके और मुर्दे के ऊपर चढ़ करके और रत्नावली जी से मिलने के लिए गए। लेकिन जब इतने कष्ट से तुलसीदास जी रत्नावली जी के उनका बहुत प्रसिद्ध दुआ है। तब जब रत्नावली जी ने कहा कि कैसे आए तब उसने बताया ना इस तरीके से आए तुलसीदास जी ने तब रत्नावली जी चौंक गई तो उन्होंने कहा हाड़ मास की देह मम तासो इतनी प्रीति अरे ताप्रीति यदि रामेश्वर तो भव भीति विनश्यति। अगर इतनी प्रीति जितनी तुमने मुझ में प्रीति करी है उतनी अगर श्री राम में करते तो तुम भव भीति विनश्यति इस भव सागर को विनाश करके और इससे पार चले जाते। तब ये सोच करके तुलसीदास जी का मन जो है वो स्थगित रह गया। तब जाकर के वे राम श्री राम जी की भक्ति में परिणित हुए। इस कारण से नेत्रों का दोष है। उसके बाद अजामिल का है। जब अजामिल यद्यपि बहुत प्रकांड कर्म कांडी ब्राह्मण था लेकिन जब वो जंगल में गया तो उसने देखा पौंश्चल्या पांग विद्धते है उस पुंश्चली ने पांग विद्धते नैनों का ऐसा कटाक्ष किया कि जो वो अजामिल है उसकी सारी की सारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई। फिर उसके बाद वो अजामिल जो है वो गलत संगत में पड़ करके अन्य अन्य प्रकार के काम। इसलिए नेत्र जो है नेत्र का बहुत भारी दोष भी नेत्र से ही होता है और मंगल भी नेत्र से होता है। मंगल जो है वो दर्शनात मंगलात भवती और अदोषे ही दर्शनात अदोषे अदृश्ये अमंगलात भवती अदृश्य को देखने से अमंगल हो जाता है। इस कारण से नेत्रों का बहुत बड़ा दोष है। उसके बाद बताया कि सारे के सारे जो देवता है वो शिव जी के पास गए। जब शिव जी के पास गए तो भगवान जो शिव जी हैं वो शिव जी बहुत उदास थे। क्यों? क्योंकि सती जी का बिछोड़ यह तनु सती ही भेट मोहि नाहीं अस विचार शिव की न मन माही। ऐसे शिव जी जब सोच रहे थे तो अन्य अन्य प्रकार से जब वो दुखी थे शिव जी क्योंकि उनकी परिणिता जो उनका बिछो हो गया उनसे
तो जब सब सब गए शिव जी के पास गए तो फिर उसके बाद कैलाश का वर्णन होता है बहुत सुंदर। कैलाश का वर्णन होता है, वैसे तो बहुत सारी बातें लिखवाई थी, वो श्लोक लिखा है, उसमें लिखा है कि कैलाश जो है हाँ कैलाश के अंदर लिखा है कि बहुत सुंदर, मतलब कैलाश जब कैलाश का वर्णन किया है इतना सुंदर स्थान है कैलाश का कि देवता तक इसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैलाश ऐसा है। इसीलिए इस पर भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है ध्यान धरत सुर सुख राशि, शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्तसर राग रागिनी अधिगासी, यक्ष रक्ष भैरव जहां डोलत बोलत है बनके वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है बिंजासी। ये सब गोस्वामी भागवत का श्लोक का पूरा मीनिंग पूरा उसमें, ये पूरा कैलाश का इसी का ही वर्णन पूरा कैलाश का पूरा उसमें, और ये इसमें नहीं लिखा, ये श्री पार्वत जो जो उन्होंने अन्य अन्य 12 ग्रंथों में से दो ग्रंथ लिखे हैं, श्री जानकी मंगल और श्री पार्वती मंगल, उसमें पार्वती मंगल में ये सब लिखा है। इस कारण से रामायण का कुछ शोभा को याद करना, ये पद याद करने क्या हो जाता ना, श्लोक याद करते चौपा कर याद कर लो बस, पूरा कैलाश का पूरा जो जो बोलते पूरा कैलाश का बड़ा सुंदर उसमें बनना। हाथी जब हाथ शरीर को रगड़ते हैं किसी चंदन वृक्ष में और चंद्र का शरीर हिल जाते हैं, हिलने पर उसका हवा से पूरा संपूर्ण रूप में कैलाश सुगंधित हो जाता है, सुगंधित होने पर सभी गंधर्व में काम उद्दीपक हो जाता है, हैं इसको इसका सुगंध लेकर बड़ी सुंदर कैलाश का अद्भुत वर्णन किया है। फिर उसके बाद गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कैलाशी के वासी अविनाशी मेरी सुधरी, जो सेवक जान दया कर शंकर किंकर की विनती सुनी, ये लिखा। और उसके बाद लिखा कि जब सारे के सारे गए तो शंकर जी को जाकर के उन्होंने वार्ता करी कि दक्ष ने कितनी मूर्खता करी इनका अपमान करके, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये जगत पिता है और भगवती जगत माता है। वागर्था एक संपन्न वागर्था प्रतिपद्येत वंदे जगत पितरौ पार्वती परमेश्वर, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्य। इसलिए ये सब जाकर के ये साक्षात जगत पिता और जगत माता है तो उनका अपमान करना और भगवान का क्रोधित होना ये ठीक नहीं है। उसके बाद बस ये कैलाश का वर्णन किया, वर्णन करने के बाद शिव जी आए हैं, जब प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने, तो जब प्रार्थना करने के बाद शिव जी आए हैं, आने के बाद जब सब कुछ जो पहले साल वो ठीक किया, फिर दक्ष के लिए शिव जी ने कहा कि जो दक्ष है, वैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये दक्ष पहले दक्ष जो है पहले करता था ना तू तू तू, तो जैसे इसलिए उसका बकरे का सर लगा दिया, क्यों, क्योंकि जैसे तानपुरा जो होता है ना तानपुरा, उसके अंदर बकरे की खाल होती है, तो पहले तो वो करता है बकरा तू इसीलिए। और फिर दूसरी बात उसमें अहम था मां, तो इसलिए जान करके उसका जो बकरे का जो है सिर उसकी योग्यता के अनुसार और केवल शुद्ध करने के लिए दंड का प्राविधान है, इस कारण से दंड शिवजी ने दिया। यद्यपि शिवजी जो है उनको उनके हृदय में अपमान इत्यादियों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो निरंतर श्री भगवान के नाम का आश्रय लिए हुए हैं और सदा भजन में रत हैं, इस कारण से उनको कोई वो नहीं पड़ा। लेकिन एक और बात है, क्योंकि अपराध किया तो फिर अपराध जो किया है उसके हित के लिए और अपराध के शमन के लिए, शमन स्वयं भी होता है, शमन कराने से भी शमन हो जाता है, इसलिए केवल अपराध का भंजन करने के लिए और उसके हित के लिए जो है भगवान ने ऐसा किया। और फिर उसके बाद जो है मर्यादा की रक्षा करने के लिए ये सब शिव जी ने किया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी जाकर के उनकी स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने जब स्तुति करी तो फिर उसके बाद, क्योंकि यज्ञ का पूर्ण होना आवश्यक था, अपूर्ण यज्ञ अनिष्टकारी होता है, इस कारण से पूर्ण यज्ञ जो है वो पूर्ण यज्ञ के लिए ही प्रभु वहां पे आए। फिर उसके बाद सबको ठीक कर दिया, जिसकी दाढ़ी वाड़ी हटाई थी भृगु ऋषि की वो सबको ठीक ठाक कर दिया, और जिसके दांत वांत निकाले थे क्योंकि वो हंस रहे थे, और हंसने से जब हंसते हैं तो दंत की पंक्ति होती है, दंतावली की जो अलग अलग पंक्तियां होती है वो दृश्यायमान हो जाती है, वो अगोचर नहीं रहती, वो गोचर युक्त हो जाती है, तो इस कारण से जब हंसते हैं तो वो
ज्यादा ही असर है थे, तो उसके एक देख उसके दांत तो निकाले लिए, तो दांत तोड़ दिए, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तू है ना मुलाम मुलाम खा सको, रसगुल्ला हुआ, रसमलाई, जय हो रसमलाई, पिस्ता, इस कारण से तो जैसे जैसे उपयुक्त, जैसे जैसे उपयुक्त साधन और जैसे जैसे सॉल्यूशन होते गए, वैसे वैसे शंकर जी ने बताया। फिर उसके बाद प्रार्थना करी कि आप प्रभु संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। दक्ष ने कहा कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मेरी बेटी जो है मैंने मेरी वजह से उसने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर दक्ष ने भी प्रार्थना करी, तब भगवान ने दक्ष को भी क्षमा किया। बस उसके बाद क्या, उसके बाद सती जी दोबारा जन्म यज्ञ पूरा हो गया ना, यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ का जो